मोदी जी की सरकार बनी है तो महंगाई कम हो गई है ना, अब पेट्रोल जो है पानी के भाव से मिल रहा है 10 रुपए लीटर। पेट्रोल सस्ता हो गया है, महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए, उनको लगता है कि स्मृति जी को मंत्री बना दिए तो इस देश में महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो गया। अरे साहब, इस देश में आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार आप खुद कर रहे हैं। जब GST लगाया गया तो जो नैपकिन है उस नैपकिन को भी लग्जरियस आइटम कहा गया। वाह, आप जो सूट पहनते हैं वो लग्जरियस आइटम नहीं है, आप जो हमेशा ड्रेस बदलते हैं परिधान मंत्री साहब वो लग्जरियस आइटम नहीं है, और जो नेसेसिटी है महिलाओं के हर महीने की जो नेसेसिटी है वो आपको लग्जरियस आइटम लगता है। इतना ही लग्जरियस है तो आप भी पॉकेट में लेकर के घुमा कीजिएगा, लेकिन लग्जरी का चीज है, बेसिक सवाल है ना, बेसिक जरूरत का सवाल है, उसके ऊपर इन्होंने GST लगा दिया। और GST लगा करके क्या कहा कि वन नेशन वन टैक्स। बाजी प्रधानमंत्री जी, वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है? वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है? तब शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, तो सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेवारी यह है कि आपके टैक्स के पैसे से वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाएंगे और वहां पे अंबानी और अदानी का धंधा सेट करके आएंगे। ये सरकार का काम है, खूब सुंदर। और बीच बीच में कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो सरकार जवाब देने की बजाय सारा मसला विपक्ष पे डाल देती है। अभी राहुल गांधी जी के गाड़ी पे अटैक हुआ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बस परिघटना बता रहा हूं। अटैक हुआ तो मीडिया में पत्रकार कह रहे थे बिना बुलेट प्रूफ की गाड़ी लेकर के वो गए क्यों? मतलब ये सवाल नहीं है कि पत्थर फेंके क्यों, पत्थरबाजी क्यों हुई। दूसरा चैनल खोले तो वो कह रहा था कि क्या गुजरात के लोगों के आक्रोश को BJP का गुंडा कहना, पत्थरबाज कहना सही है? क्या बात है, क्या बात है। वहां लोग गुस्से में पत्थरबाजी कर रहे हैं तो वो सही है क्योंकि वो गुजरात है, और कश्मीर में गुस्से में पत्थरबाजी हो रही है तो वो गलत है क्योंकि वो कश्मीर है। अरे हम भी कहते हैं और आप भी कहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, तो क्यों है दोहरी नीति तुम्हारी, क्यों है दोहरी नीति तुम्हारी? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। पत्थरबाजी गुजरात में हो या कश्मीर में हो, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और पत्थरबाजी गलत है, पत्थरबाजी किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो भाजपा के ही सदस्य क्यों ना हो। और माहौल देखिए, कोई जो है सवाल पूछने को तैयार नहीं है, सारा सवाल जो है सरकार से पूछने की बजाय विपक्ष से पूछा जा रहा है। और आजकल जब भी मंत्री जी से कुछ पूछा जाता है तो मंत्री जी तुरंत संबित पात्रा की तरह उंगली उठा करके कहते हैं कि 65 सालों में आपने देश को लूट लिया। अरे मान लेते हैं कि लेफ्ट ने, कांग्रेस ने, मायावती जी ने, मुलायम सिंह ने, लालू जी ने इस देश को 65 साल में लूट लिया, तो इस लूटी हुई जनता पे इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई? ये सवाल पूछना चाहिए ना कि जनता लूटी हुई है, जनता के पास नहीं है पैसा, आप जानते हैं देश के पास संसाधन नहीं है, तो GST में जो आपने 28% रखा है उसको 13% रख लेते, उसको 12% रख लेते। नहीं, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स आप नहीं देंगे तो माल्या को कर्जा कौन देगा, और फिर माल्या जो है कर्जा लेकर के भागेगा कैसे, फिर वहां बैठ करके आराम से क्रिकेट कैसे देखेगा? मतलब आपका पैसा, जनता का पैसा माल्या को पहुंचा करके उसको माफी दे दिया गया, और किसान की कर्ज माफी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये साफ साफ पता चलता है कि हमने कैसी सरकार बनाई है। गिनती करके देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं ये। शिक्षा का अगर बजट कम किया जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार शिक्षा विरोधी है। दूसरा, इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जब वो आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। अच्छा, मतलब हम करें तो राजनीति, और आप जो है वो सदाचार करते हैं। एक कभी साहब हुए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने कहा कि विद्यार्थी है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, ये लोग पॉलिटिक्स क्यों करता है। और आयरनी देखिए, वो आदमी जब कॉलेज में था तो ABBP का नेता था।
तो वो उपराष्ट्रपति राजनीति करके नहीं बने हैं, वो गाय माता के सामने सुबह शाम जाकर के प्रणाम करते थे, उनके आशीर्वाद से वो उपराष्ट्रपति बन गए। ये क्या, कौन सी परिस्थिति, कौन सी मानसिकता जो है समाज के अंदर फैलाई जा रही है, उसको समझिए कि राजनीति करने का एक अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा और संघ परिवार के पास है। बाकी लोग चुपचाप बैठे रहिए, इस देश को बर्बाद होने दीजिए, इस देश को लूटने दीजिए, तब वो खुश रहेंगे। सुनिए, यह देश आपके ताऊ का नहीं है, और देश को अगर आप बर्बाद और लूटने की जो साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को हम बखूबी समझ रहे हैं, और आपको जो आपकी जगह से ला करके रोड पे खड़ा करेंगे, और एक एक सवाल से आपसे जवाब मांगे, अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको हिसाब देंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, उस परिभाषा और शब्द में आपको जवाब दिया जाएगा। हमारा एक दोस्त कह रहे थे कि गोली मार दिया जाएगा, मैं कहता हूं कि क्यों गोली मार दिया जाएगा, किसी को भी क्यों गोली मार दिया जाएगा, यह नाटक है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को गोली मत मारिए, मुझे मार दीजिए, क्यों मार देगा भाई, गोली मारने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है, आपको प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने बनाई है कि आपने जो कहा जनता से उसको वापस कीजिए। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि हम उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे और 2 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे, नहीं कहे थे, कुछ और मिल गया, कुछ और मतलब आप मोबाइल दुकान पे गए रिचार्ज कराने के लिए, रिचार्ज कराए 300 रुपया का, बैलेंस आया 3 रुपया का। कुछ ऐसा ही इस देश के लोगों के साथ हो गया। इस देश के लोग परेशान तो थे ही, तो परेशान होने की वजह में क्रैश कोर्स कर लिए, और इस क्रैश कोर्स का दिक्कत यह है कि यह देश ही क्रैश होने पे है। जो सवाल थे, जो मुद्दे थे, उस पर एक भी सवाल पे कोई डिलीवरी नहीं है। गिनती करके आप देख लीजिए, महंगाई कम नहीं हुई है, भ्रष्टाचार कम हो गया है क्या, आजकल आप ट्रैफिक सिग्नल पर पकड़े जाते हैं तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता होगा क्या, एकदम ओरिजिनल रसीद काटता होगा, पैसा सीधे एकदम सरकार के खाते में जाता होगा, जब आप अभी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो बाबू कोई पैसा नहीं लेता है, भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया है, हो गया है क्या, अच्छा मतलब नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम अकेले नहीं बोल रहे हैं ना, इस देश की जनता समझ रही है भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। और 2G 3G का नाम खूब लिया गया था, तो सुरेश कलमाडी तो जेल में होंगे, और बाकी सारे लोग जितने ऊपर लोगों के ऊपर आरोप था वो सब तो जेल में होंगे, उसमें से आधा भाजपा की टिकट पे चुन करके मंत्री बने हुए हैं। रीता बहुगुणा और उनका भाई वो भ्रष्टाचारी था जब तक था बीजेपी में, कांग्रेस में था, अरे वो बीजेपी में ही था, जब कांग्रेस में था तब भी बीजेपी में था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि ये विचारधारात्मक लड़ाई है, ये बात मैं क्यों बोलता हूं, झंडे का रंग देख करके कंफ्यूज मत होइए। विचारधारात्मक लड़ाई इसलिए है कि एक तरफ अवसरवाद है, एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ जनता के सामने किए जाने वाले झूठे वादे हैं, दूसरी तरफ जनता का असली सवाल है, समतामूलक समाज है, बाबा साहब के सपनों का देश है, भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश है, भगत सिंह के सपनों का देश है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर खड़े हैं। और बेसिक सवाल की बात है कि क्यों इस देश के अंदर जो हमारे बुनियादी सवाल है उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। कभी टीवी डिबेट सुने हैं क्या आप लोग कि इस देश के अंदर शिक्षा की क्या हालत है, उस पर कोई टीवी डिबेट हो रहा हो और संबित पात्रा आकर के कह रहे हो, कुछ बोल रहे हैं। इस देश के अंदर बेकारी पे कोई प्राइम टाइम होता है क्या, किसान मर गए हैं किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई स्पेशल बुलेटिन किया जाता है क्या, क्यों चर्चा नहीं है, क्यों डिस्कोर्स खड़ा नहीं होता है। जब इस देश के अंदर भीड़ के द्वारा 47 लोगों की जान चली जाती है तब कोई डिस्कोर्स क्यों नहीं होता है, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब इजराइल जाते हैं, कितना बार खाए, कितना बार नहाए, जब चलते हैं तो कौन सा पैर आगे करते हैं, यह भी रिपोर्ट किया जाता है। किससे मिले, किससे जुले, किसको बुलाए, किसके साथ हंसे, कितना बार फोटो खिंचाए, सब रिपोर्ट होता है। लेकिन इस देश के अंदर क्या हो रहा है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं होता है, और हमारे नेताओं को फुर्सत नहीं है। अभी जो जुनैद की हत्या की गई वो फरीदाबाद दिल्ली के बिल्कुल बगल में है, और कई बार भाजपा ने फरीदाबाद में अपना नेशनल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग भी किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनको रास्ता भी पता होगा,
रास्ता वो भूलते नहीं होंगे दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचते में, क्योंकि अपना एग्जीक्यूटिव का मीटिंग किए हैं, इसलिए रास्ता उनको मालूम होगा। जैसे हम औरंगाबाद आए हैं तो हमको रास्ता मालूम हो गया है ना कि पुणे से औरंगाबाद आने का रास्ता क्या है। तो कल को अगर औरंगाबाद में कुछ हो जाएगा तो हम पहुंचेंगे, हमारा को रास्ता याद रहेगा। तो हमारे देश के मंत्री और नेताओं को रास्ता क्यों नहीं याद होता है इस देश के अंदर, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके घर पे पहुंचने के लिए? जुनेद के घर पे तो कोई नहीं गया, वहां तो कोई रिपोर्ट करने के लिए नहीं जा रहा है, और कोई नहीं पूछ रहा है कि जुनेद की हत्या क्यों कर दी गई। अकलाक के परिवार के कोई गया है पूछने के लिए? और आपको जान करके आश्चर्य होगा, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस तरह का कोर्स शामिल नहीं किया गया है कि अकलाक का बेटा एयरफोर्स में नौकरी करता है। इन्होंने तो साबित कर दिया है ना कि इस देश में सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इसलिए वो फौज में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि फौज में तो सिर्फ गैर मुस्लिम जाएंगे, सारे जो इनोसेंट मुस्लिम है उनको तो जेल में पहुंचा दिया गया है आतंकवादी होने के नाम पे। यह बात लोगों को मालूम नहीं है, वो देश की सेवा कर रहा है सीमा पे, और डीप होने के आधार पर उसकी हत्या कर दी जाती है। मुझे तो लगता है कि इन गौ रक्षकों की आंख जो है ना उस पर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से भी ज्यादा पावरफुल है। दूसरे के घर में दूर फ्रिज के भीतर क्या रखा हुआ है दूर से देख लेता है। हम कहते हैं कि सारे गौ रक्षकों को ले जाकर के बॉर्डर पर टांग देना चाहिए, और वो दूर से ही देख लेगा कि किधर से जो है इस देश के अंदर घुसपैठ हो रहा है। इतना पावरफुल आंख कि आपके टिफिन में क्या है, आप झोले में क्या लेकर के जा रहे हैं वो देख लेता है। तो भाई साहब एक्सरे मशीन की तो जरूरत नहीं है, सारे हॉस्पिटल में इनको बिठा दिया जाए कुर्सी से, और ये जिनका पैर चुका है कहां हड्डी टूटी है ये देख करके बता देंगे। कितना पावरफुल आंख। गाय का रक्षा करोगे? बहुत शौक चढ़ा है गाय का रक्षा करने का। आओ, हम गौ पालक है, मेरा नाम भी कन्हैया है, आओ हमारे गाय का गोबर उठाना। तो किसको किसको सुबह उठ करके गाय को दो रोटी खिला देते हो, समझते हो यही गौ सेवा है? ये बरसात का महीना है, सावन आज खत्म हुआ है, मेरे हाथ में राखी बंधा हुआ है, सावन का पूर्णिमा था जिस दिन रक्षाबंधन होता है। मेरी माँ आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी की कुछ बहनों ने मुझे राखी बांधा है। ये जो सावन का पूर्णिमा है, सावन खत्म हुआ है, सावन के अंदर जो बरसात होती है उसमें इतना इतना खेत में पानी जमा होता है आपके टखने तक, और उस पानी में जाकर के घास काटना, फिर उस घास को बारीक करना, फिर उस गाय को खिलाना, कभी ये करके आओ तब पता चलेगा। मोदी जी जो बोले थे ना कि जो है मेन हॉल में उतरना और कचरा साफ करना में आध्यात्मिक सुख है, तो आइए साहब ना एक दिन अपने हेलीकॉप्टर से उतरिए, और एक दिन जो है गटर में उतरिए, तब समझ में आएगा कि आध्यात्मिक सुख मिलता है कि नहीं। आज ही मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले लोग जहरीली गैस की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया गया है। आज भी मानवों द्वारा मौला उठाने का काम कुछ राज्यों में करवाया जाता है, और इनको लगता है कि आध्यात्मिक सुख होता है। किसको किसको आध्यात्मिक सुख चाहिए? इस देश के किसान वैसे ही बर्बाद हैं, उनकी खेती बर्बाद है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, नेताजी का बेटा नेता होगा, एमएलए का बेटा एमएलए होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा, किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता है। जो जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं वो किसान के पास चले जाएं, उनके पास गौ बहुत गाय है, जरा सावन के महीने में घास काट के लाएं और गौ माता को खिलाएं, उनका गोबर उठाएं, तब समझ में आएगा कि आनंद आता है कि नहीं आता है। सुबह बढ़िया से एकदम सूट बूट पहन करके तैयार हुए, और रात वाला दो रोटी ले लिए, और सुबह सुबह गाय माता को दे दिए, तो लगा कि आह आध्यात्मिक सुख है। कभी गाय को एक महीना रख करके देखो, तब समझ में आएगा। ये लोग सिंबॉलिज्म करते हैं, सिंबॉलिज्म, इनको रियलिटी और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये जानते ही नहीं है कि गरीबी क्या होती है, किसानी क्या होता है, गाय की सेवा करना क्या होता है, धर्म क्या होता है, इनको कोई चीज मालूम नहीं है। आज रक्षाबंधन है, इनका काम है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते रहना है। ये कल को हो सकता है कि इस कहानी को भी बदल दें कि रानी रत्नावती ने हिमायू को राखी बांधा था, तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई है। हो सकता है कि कल को इस कहानी को भी बदल दिया जाए, क्योंकि लव जिहाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है ना, इसलिए हिंदू और मुसलमान भाई बहन भी हो सकते हैं, राखी भी बांध सकते हैं। इस बात को तो भुला देना है, इस बात को तो मिटा देना है। ये जो रियलिटी है इस देश के अंदर, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जब हम समझते हैं तब हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं,
क्योंकि मैं खुद नहीं डरता हूं और मैं समझता हूं कि डरने की एक सीमा होती है। कब तक डराओगे भाई, कब तक डराओगे? मॉब लिंचिंग करोगे, भीड़ के द्वारा लोगों की हत्या कर दोगे, एक आदमी मारोगे, पांच आदमी मारोगे, दस आदमी मारोगे, गोली चला दोगे, जेल में डाल दोगे, निर्दोष लोगों को आतंकवादी बता दोगे, देशद्रोही पाकिस्तानी बता दोगे, कब तक करोगे? डर की भी एक सीमा होती है और वो सीमा जिस दिन टूट जाएगी उस दिन लोग डरेंगे नहीं, तुमसे रोड पे निपटेंगे। ये बात समझ लो। इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों को डराना बंद करो, डर की राजनीति बंद करो। डर खतरनाक होता है और लोगों को डरा डरा करके ही दुनिया का इतिहास बताता है कि समाज के अंदर अराजकता, अशांति और हिंसा फैलाई गई है। और जितने भी विकसित देश अपने आप को कहते हैं, वहां जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को मैच्योर होने में एक सिविल वॉर से गुजरना पड़ा है। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में सिविल वॉर हो, इसीलिए हम धर्म की भी व्याख्या करते हैं, इसीलिए हम भगवा रंग की भी व्याख्या करते हैं, इसीलिए हम आध्यात्म की भी व्याख्या करते हैं, इसीलिए कि इस देश के अंदर इन तमाम डिस्कोर्स को लेकर के मानवता को कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे बताया जाए, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके कैसे रक्षा की जाए। और ये करने का एकमात्र पर्पस है कि इस देश के अंदर अहिंसा, शांति, भाईचारा, बराबरी, इसको हमको सुरक्षित करना है। ये नारे, ये शब्द, ये चुनावी जुमले नहीं है, ये हमारे समाज की हकीकत और जरूरत है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और वैसे भी आप मुझे बताइए कि एक तरफ जब नफरत की बात हो रही है तो क्या दूसरी तरफ हमको मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए? एक तरफ जब कला को, संस्कृति को, विज्ञान को बर्बाद किया जा रहा है तो क्या दूसरी तरफ हमको कला को, संस्कृति को, विज्ञान को बचाना नहीं चाहिए? हम कहते हैं कि नफरत के इस शोर शराबे में हम लोगों को मोहब्बत के गीत गाने चाहिए। और इसीलिए ब्रेक्ट नाम का एक कवि है, ब्रेक्ट लिखते हैं जब दुनिया में इसी तरह की परिस्थिति पैदा हुई यूरोप के अंदर, तो ब्रेक्ट गाना गा रहे थे तो उनके दोस्त ने कहा कि क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे? तो ब्रेक्ट ने कहा कि हाँ, अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे, अंधेरे समय के ही गीत गाए जाएंगे और उस अंधेरा को मिटाने के लिए गीत गाए जाएंगे। हमको आज मोहब्बत का गीत गाने की जरूरत है, अपना इतिहास याद करने की जरूरत है और इनको भी बताने की जरूरत है कि तुमको इस देश का इतिहास नहीं मालूम है, राम भक्त बनकर के घूमते हो। मालूम है क्या किया था राम ने? राम ने सिर्फ धनुष लेकर के रावण की हत्या नहीं की थी, राम ने सबरी का जूठा बेर भी खाया था। और गांव वाले जब गए उनके पास, जो बड़े बड़े अपने आप को बड़े कहते हैं, वो गए कि चलिए हमारे घर पे भोजन करने के लिए, हमको धर्म होगा, तो राम ने कहा कि इस देश, इस गांव के जो अछूत हैं उनको तालाब का पानी नहीं पीने देते हो, उनको पानी पीने दो, इससे धर्म होगा। कौन से राम की बात कर रहे हैं? और बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इंसानियत कुछ नहीं होता है, तो मैं वही उसी राम की बात करता हूं। मोहम्मद रफी तो मुसलमान है, उनका भी नाम मुसलमान का है, क्या पता उनका भी नाम बदल दिया जाए कल को। उन्होंने गीत गाया है, राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी, राम के बारे में गाया है ना, एक मुसलमान ने गाया है ना। हिंदुओं के घरों में बसता है कि नहीं बसता है? ये इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है, इस तहजीब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जो वोट का गुना गणित है, उस गुना गणित में सीधे सीधे 70% वोट पे कब्जा किया जा सकता है। इसीलिए एकल हिंदू का नारा दिया गया है। अरे एकल हिंदू कैसे होगा? जब तक देश के अंदर जातिवाद रहेगा तब तक एकल हिंदू कैसे होगा? और जातिवाद खत्म करने का इनका अलग ही नाटक है। जैसे उन्होंने आरएसएस के एक नेता है इंद्रेश जी, उन्होंने कहा कि हम मंत्र पढ़ करके चाइना को हरा देंगे। अरे भाई साहब, मंत्र पढ़ करके चाइना कैसे हार जाएगा? ये ज्ञान तो इन्हीं के पास है, तो इन्होंने एक नई तरकीब निकाली है एकल हिंदू के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए। ये जाते हैं और दलितों के घर में खाना बना करके खुद से खाते हैं, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? अरे साहब, कभी उन दलितों को अपने घर लेकर के आइए, अपने सोफा पे बिठाइए, अपने पलंग पे सुलाइए, अपने किचन में खाना खिलाइए, तब जाकर के जातिवाद खत्म होगा। और सिर्फ इतना से खत्म नहीं होगा,
कभी हमारी बारात आपके घर पे और आपकी बारात हमारे घर पे भी तो आए ऐसे ही है? आज तक संघ में ही जातिवाद खत्म नहीं हो पाया। जितने सर संघ चालक हैं उनका जाति पता कर लीजिएगा। आपके लिए हमने रिसर्च का काम दे दिया, व्हाट्सएप से मत ले आइएगा, पता कीजिएगा कि कौन सी जाति के हैं। अपने यहां तो जातिवाद खत्म नहीं कर पाए, समाज में जातिवाद खत्म कर देंगे। और जब तक जाति खत्म नहीं होगा तब तक हिंदू एक कैसे होगा? और जिस दिन जाति खत्म हो जाएगा उस दिन हिंदू को एक होने की जरूरत नहीं है, उस दिन समाज एकजुट हो जाएगा, उस दिन भारत एकजुट हो जाएगा, तब सच में जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। ये बात हमको समझना चाहिए। ये जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सारा गुना गणित वोट का है। इसीलिए एक नैरेटिव फैलाया गया है। नैरेटिव क्या है कि सारा मुसलमान आतंकवादी होता है। अच्छा, आधार क्या है? तो जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब मुसलमान होते हैं। ओ मतलब नाथूराम गोडसे भी मुसलमान ही था। गांधी की हत्या तो नाथूराम गोडसे मुसलमान ने किया। जितने बम फोड़े गए खालिस्तानी मूवमेंट के दौरान वो सब मुसलमान थे। राजीव गांधी की हत्या भी एक मुसलमान ने ही की थी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। दंड दंड होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। और यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 14% 17% 16% के खिलाफ कैसे बाकी परसेंट को इकट्ठा किया जाए। और ठीक यही काम जो है जर्मनी के अंदर यहूदियों के लिए किया गया था। और हिटलर के बारे में कहा गया कि हिटलर अजय है, हिटलर को कोई हरा नहीं सकता है। और उस अजय की जानते हैं पराजय कैसे हुई? कोई नहीं उसको हराया, खुद से ही गोली मार लिया। आजकल मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये अजय है, ये पराजय है। हम कामना करते हैं कि इनके साथ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश न जर्मनी है ना मोदी जी हिटलर है, इसलिए इनकी हिटलर की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि मोदी जी अजय हैं, तो छोटी सी चुनौती है प्रधानमंत्री जी से, JNU आकर के काउंसिलर का चुनाव जीत करके दिखा दें। प्रधानमंत्री हैं देश के, कुछ भी कर सकते हैं। 56 इंच का सीना है, बॉर्डर पे किसी को जाने की लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम मोदी जी को भेज देंगे, सलमान खान की तरह कुर्ता खोलेंगे कि चाइना डर करके भाग जाएगा। अजय वजय कुछ नहीं है, ये सारा अजय पराजय जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बनाया जा रहा है। अजय वो होता है जो ईमानदारी से गरीबी के लिए लड़ता है, भगत सिंह के लिए फांसी पे झूलता है। अजय वो होता है जिसके दिमाग में समाज के अंदर समतामूलक की स्थिति पैदा करने की एक कामना होती है, कल्पना होती है, वो अजय होता है। और वही मर करके जिंदा होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत पहले चले गए हमारे बीच से। हम आज भी कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरांचा विजय शो। हम आज भी बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरता है। और जो व्यक्ति व्यक्तिवादी होता है उसके पास कोई विचार नहीं होता है, वो तो जिंदा होते हुए ही मरा हुआ होता है। ये जो परिस्थिति है इस मुल्क के अंदर, उसमें एक एक सच को, अपने सच को, उसको हमको समझना होगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा। और उससे जब हम रूबरू होते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज इस देश के अंदर संविधान के ऊपर हमला है, इस देश की जो प्रस्तावना है उसके जो एक एक शब्द है उसके ऊपर हमला है, इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। यह देश जो पहले से जाति और धर्म में विभाजित है उसको और विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम सब लोगों की यह जिम्मेवारी है, खास करके जो यूथ यहां पे बैठे हुए हैं उनकी यह जिम्मेवारी है कि उनको चीजों को समझना होगा, उनको सोचना होगा। और देश के हालात पे सिर्फ फेसबुक पे स्टेटस लिख देने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि फेसबुक पे अच्छे दिन तो सिर्फ भक्त ला सकते हैं, सिर्फ मोदी जी ला सकते हैं। ट्वीट करते हैं और अच्छे दिन आ जाते हैं, आपसे नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे जाकर के खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में, सड़कों पे, बसों में, ट्रेनों में, गांव से लेकर शहर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मिलकर एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप इस देश को बचा सकते हैं, इस देश के संविधान को बचा सकते हैं। और इस देश के संविधान को बचाना ही सबसे बड़ा देश प्रेम है।
देश की जब बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, तो आजकल एक नया फैशन चला है कि 15 अगस्त को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दीजिए, आपकी देशभक्ति की जिम्मेवारी पूर्ण। भाई साहब, छोटा रिचार्ज का ऐसा देशभक्ति का फॉर्मूला तो आप ही के पास होगा कि जितना इंटरनेट यूज करना है उतना MB का रिचार्ज करा लो, बस एक दिन ही देशभक्त होना है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दिए, उसके बाद बात खत्म। देशभक्ति 15 अगस्त का मोहताज नहीं है। देशभक्ति दृढ़ इस देश के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना, लड़ना, उनको हक और न्याय दिलाना, यह देशभक्ति है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। उनको 15 अगस्त को तिरंगा का DP लगा करके देशभक्त हो जाने दीजिए, आप 365 दिन इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कीजिए, यही परिस्थिति आपके सामने है। और इसीलिए दोस्तों, दूसरे के ऊपर सिर्फ कीचड़ उछालने से काम नहीं चलने वाला है। हमको खुद के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर बुराई क्या है। और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज उनके द्वारा जो मुद्दा हमारे सामने फेंका जाता है, हम उस पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं। हमको उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको अपने सवालों पे अनवरत लड़ने की जरूरत है। हमको बार बार ये सवाल पूछने की जरूरत है कि रोहित गंगुला को न्याय क्यों नहीं मिला, नजीब कहां है, अखलाक की हत्या क्यों हुई, पहलू क्यों मारा गया, जुनैद की हत्या क्यों हुई, 2 करोड़ रोजगार क्यों पैदा नहीं हुए, वो जो सारे भ्रष्टाचारी थे वो जेल में क्यों नहीं बंद है, आज भी महंगाई कम क्यों नहीं हुई, महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, किसान क्यों आत्महत्या करने को मजबूर है, और इस देश के अल्पसंख्यकों को क्यों डराया जा रहा है, ये सवाल हमको बार बार पूछने की जरूरत है। और ये सवाल सिर्फ पूछ देने भर से हमारी जिम्मेवारी पूर्ण नहीं होती है। इनको कहना पड़ेगा कि अभी मांग रहे हैं। अभी देखिएगा 15 अगस्त आ रहा है, तिरंगा फिल्म जो है ना बहुत सारे चैनल पे चलेगा, और तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग है, नाना पाटेकर साहब कहते हैं पहले लात फिर बात। लेकिन हम यहां उनसे सहमत नहीं है, पहले बात फिर लात। हालांकि एक स्थिति ऐसी हुई है और मैं समझता हूं कि इस स्थिति से हम लोगों को बचने की जरूरत है। अभी जब मैं अहमदनगर में था तो वहां पे घटना घट गई, गौरक्षकों को कुछ लोगों ने पीट दिया, तो मेरा दोस्त हमको दिल्ली से फोन करके बोला कि गए अहमदनगर और गौरक्षक को पिटवा दिए। हम बोले सुनो भाई, पहले अपना बात करेक्ट कर लो। एक बात तो यह है कि ये गौरक्षक नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनके लिए गाय बचाना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए इंसान बचाना ज्यादा जरूरी है। और ये मार पिटाई का काम हमारा नहीं है, और हम इस तरह की मारपीट की घटना से सहमत भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन से लड़ते लड़ते दुश्मन के जैसा हो जाना तब तो आप लड़ाई हार गए, तब आप क्या लड़े। मान लीजिए वो हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और उनसे लड़ते लड़ते आप उनके ही जैसा हो गए, तब तो वो जीत गए। उनका काम जब आप ही करने लगिएगा तो उनकी क्या जरूरत है, उनका क्या अस्तित्व है, यह बात आपको समझना होगा। यह काम कतई नहीं करना है, लेकिन यह भी नहीं महसूस होने देना है कि हम डरे हुए हैं। यह महसूस होने नहीं देना है कि हम डरे हुए हैं। हमारे यहां कवि हुए हैं गोरख पांडे साहब, वो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, धन दौलत गोरा बहादुर सब कुछ है, फिर भी वो डरते हैं। वो किस बात से डरते हैं? वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और याद रखिएगा कि जो डरा हुआ होता है वही चिल्लाता है। हम इतना देर से बोल रहे हैं, एक बार भी चिल्लाए हैं? मोदी जी का आधा घंटा का भाषण सुनिएगा, देखिएगा कितना बार भाइयों महीनों कहेंगे। एक बार भी नहीं डरते हैं, एक बार भी नहीं चिल्लाते हैं। चिल्लाने का काम उनका है, उनको चिल्लाने दीजिए। इसीलिए तो दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो या लो, ये कमल के फूल कुमनाने लगे हैं। हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमको गाने की जरूरत है। हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमको मारने की जरूरत नहीं है, हमको बचाने की जरूरत है। हमको नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। और इसीलिए जब आपको लगेगा कि हम हार रहे हैं, तब आपको सच में मानना चाहिए कि आप जीत रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीत करके खुश हैं, हमने तय किया कि हम लोगों का दिल जीत करके खुश होंगे। इसीलिए जाति और धर्म में बांटने की जो साजिश है उसको हमको खारिज करना है, और हिंदुस्तान का जो इतिहास है उस इतिहास को हमको बार बार याद करना होगा
जिस इतिहास में इस देश में होली और ईद एक साथ मनाया गया है, होली और ईद के गीत एक साथ गाए गए हैं। और यह मैं कोई 100 साल 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी किताब लिखी है उस